नमो अरंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अच्छायारम नमो रोहि सबसामी शुद्धात्मानमणिकान्तम् साधुमुक्तम् मंगलम् वंदे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थम् मंगलम् भगवान् गिरो मंगलम् भोक्तम् गणिनो मंगलम् कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनम् जयतु शासनम् मंगलमय सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मयसे नमो नेकांत विश्रांत महिमना परमात्मे मेरे ग्रंथ गुरुओं के ग्रंथ मोह ग्रंथि को तोड़ने के लिए यह शास्त्र का मंगलाचरण जीवन के मंगलाचरण के लिए पंच परमेश्वरी के स्मरण से ही शास्त्र का मंगलाचरण हो और पंच परमेश्वरी के स्मरण से जीवन का मंगलाचरण। आचार्य अमृतचंद स्वामी के इस पंचाष्टिका ग्रंथ की टीका के मंगलाचरण में कितनी बातें आ गई थी। एक तो आनंद सहज है, अपने सहज जीवन को पहचानो, कृत्य लौकिक जीवन में भी अपनी सहजता ला, प्रतिकूलताओं को भी सहजता से स्वीकार करना सीखो, अपने दोषों को भी सहजता से स्वीकार करना सीखो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपना विश्वास जगाओ। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बातें छोड़ दो। हम भगवान बन सकते हैं, भगवान होने की शक्ति है तुझ में, भगवान बन सकते हैं। केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर का कार्य नहीं कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी पर्यायों को भी आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। आत्मा स्वभाव से महान है, स्वभाव को समझे बिना महानता का गर्व हो सकता है, मानता नहीं। प्रभुता का मद हो सकता है, प्रभु से दूर रह करके, आत्म प्रभु से विमुख रह करके प्रभुता प्रकट नहीं हो सकती। प्रभुता का मद हो जाए, ज्ञान का मद हो जाएगा, ज्ञान जागृत नहीं होगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ज्ञान सम्यक नहीं होगा। और यही होता है। और कल क्या चलती, चैतन्य प्रकाश के अतिरिक्त विश्व में ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं है जो स्वयं सिद्ध हो, स्वयं से ही जाना जाए। सरल भाषा में कहें तो ज्ञान ही ये है और ज्ञान भी है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल में ज्ञान तो ये तो है लेकिन ज्ञान नहीं। इससे एक बात समझना चाहिए, कल नहीं कही थी, एक बात समझना चाहिए। क्या आत्मा को जानने के लिए तो आत्म सम्मुख होना ही है,
पर को जानने के लिए भी आत्म सन्मुख ही होना है। पर सन्मुख होकर के न आत्मा का ज्ञान होता है और न पर का पर रूप ज्ञान होता है। मोह होता है कि मेरा है। आप बताओ, आत्मा को जाने बिना इतने पदार्थों को जानते हैं, किसी पदार्थ में अपनत्व के बिना जाने, इस तनिष्ठ के बिना जाने, मोह होगा। आत्मा को जाने बिना पर को जान लेने पर भी, जानकारी होने पर भी मोह हो जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, शुष्क ज्ञान नहीं, परलक्षी ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं। जो विकल्पों को उत्पन्न करे उसे ज्ञान नहीं कहेंगे, जो विकल्पों का अभाव कराए उसे ज्ञान कहेंगे। लोक व्यवहार में क्या दृष्टान दिया था, कुछ खबर नहीं रही, बस तुम बोलो, हम मौन होकर के सुने। अरे मौन होकर के सुनो तो अच्छी है, तो एकाग्र काय सुनो भाई मन से राम, तो सब याद ही हो जाए। हम उपेक्षा से सुने ये मत कर भाई, ये जिन वचन उपेक्षा करने लायक नहीं। क्या कहा था, बस चुप, इतनी सभा चुप बैठी है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो सुन रहा हो। अरे कुछ कहा था बड़े आदमी, अरे चलो रहने जिन बचन वाले, कुछ कहा था, हम क्या कह रहे, कहें खेत की हंस रहे हो, ये हंसना बड़ा महंगा पड़ेगा, ध्यान रखना। हम बांटने नहीं आएंगे तुम्हारी दुख को, पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाने का है, पानी से गर्म होने का स्वभाव नहीं। ये दृष्टांत दिया था, ज्ञान का स्वभाव कसाय कराने करने का नहीं है, कराने का नहीं है, ज्ञान का स्वभाव कसायों को मिटाने का है। वितराग हुए बिना सर्वज्ञ कहाँ होता है, सम्यक दर्शन हुए बिना सम्यक ज्ञान कहाँ होता है, और सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत आनंदी कसाय मिटती है कि नहीं। प्रकाश हो और अंधकार न मिटे ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे जीवन में ज्ञान हो और मोह न मिटे, कसाय न घटे, असंभव। कष्ट होता है, सहज उपदेश का योग बनने पर भी सुना भी नहीं जाता। अठाई हुई ऐसा भारी पड़ गया जैसे कि कोई आफत आ गई। कब कब छुट्टी, कल और सवेरे कार्यक्रम होगा, बस खत्म। हे भगवान, जैसे तुम ही कष्ट कर रहे हो, सब तुम्हारा ही कर्तव्य हो। अरे तुम रोकना चाहो, हम रोकना चाहे तो नहीं रुक पाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो। एक तो पांच संभाग बन जाते हैं, बात अलग है, ऐठो मत ही मुफत में, अष्टानिका हो गई, हो नहीं पाई तब तक ये कार्यक्रम बनने लगा। ये भगवान हो तो जान ली, थोड़ा सा विचार तो करो। अच्छा नहीं करता, ठीक है, ज्ञान का प्रकाश ऐसा है जिसे देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्ञान को असाधारण लक्षण कहा। आत्मा के में अनंत गुण है,
लेकिन ज्ञान को असाधारण लक्षण क्यों कहा? तो ज्ञान स्वयं जानने में आ जाता है और ज्ञान से भी आत्मा भी जानने में आता है। ऐसा कोई दूसरा पदार्थ बताओ, दूसरी कोई परिणति बताओ जो ज्ञान अपने आप जानने में आती हो, जानती हो। अपने आप जानने में तो आएगी लेकिन जानेगी नहीं। ज्ञान जानने में आता भी है और जानने ज्ञायक ही स्वयं गे है, ज्ञान ही स्वयं गे है। जिसकी समझ में आया धन्य है। गेयों के नाम से ऐसा लगता है जैसे ये छह द्रव्य गे होते हो। अरे भैया छह द्रव्य गे हैं परंतु अपने गे नहीं है, अच्छे बुरे नहीं है। अपना गेय कौन है ये देखो। छह द्रव्यों का समूह विश्व गेय है, व्यक्त है, उसके भिन्न आत्मा अव्यक्त है। उस अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए ये स्वाध्याय है। और आगे चर्चा चल रही है मंगलाचरण की, अंतिम करना ही है। क्या कहें, नमो नेकांत विश्रांत प्राण है ये जैन दर्शन का। अनेकांत अनेकांत आत्मक वस्तु स्वरूप है, याद्वादमयी गिनवाणी है, ये चिन्ह है अमोघ लक्षणम। अनेकांत स्वरूप है, एक भी पदार्थ ऐसा नहीं, सर्व अनेकांत आत्मक है। एक भी पदार्थ आप बताओ, एक भी परिणति बताओ जो अनेकांतमय नहीं हो, एकांत रूप हो। एक भी पदार्थ, एक भी परिणति अनेकांतमय है। ये अनेकांतमय है, लकड़ी है सोना नहीं, अध्रुव है ध्रुव नहीं। बोलो अनेकांत, लकड़ी है सोना नहीं, अध्रुव है ध्रुव नहीं। अचेतन है चेतन नहीं। एक भी पदार्थ आप बताओ, मंदिर है चौपाल नहीं है, चाहे जैसे मत प्रवर्तो। यहां प्रवर्तने का मतलब केवल मोर वचन और काया की प्रवृत्ति नहीं, मन की प्रवृत्ति। क्या है कुछ मत सोचो, फैक्ट्री तो बोलने की और करने की है। हमारी वाणी खराब है क्योंकि हमारे भाव खराब। उसी मोह से बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, उसी बिल्ली से चूहा पकड़ती है, दोनों की पकड़ पकड़ में अंतर क्यों हो जाता है? बच्चे को पकड़ते समय कोमलता क्यों आ जाती है? कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तय, सांच जवाहर खोल, सतबाजी जग में सुखी। इतने प्यारे छंद हैं क्या कहें। कभी लेटे बैठे हैं, चलते फिरते कुछ सोच लिया करो एकाध। धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीतमा, कपट न कीजिए कोई। अरे चोरा से हमें क्या मतलब, बस इतना ही पढ़ना है, कपट न कीजिए कोई। और देखो भाई, अन्य स्थानों में किए गए पाप धर्म स्थान में छूटते हैं, और धर्म स्थान में ही पाप करोगे, यहाँ ही कपट करोगे। हमें बुद्धि नहीं है, हमें समय नहीं है, हमें शक्ति नहीं है, कहाँ छूटेंगे ये अनंतानंदी माया कहाँ छूटेगी? झूठ बोलते हो,
हमें समय नहीं है। 24 घंटे का समय कहाँ गया तुम्हारा? रोटी खाने को कैसे समय मिलता है, आराम करने को कैसे समय मिलता है, खेलने को कैसे समय मिलता है, दुकान के लिए कैसे समय मिलता है, विक्रेता के लिए कैसे समय मिलता है, घूमने के लिए कैसे समय मिलता है? क्या करते हो समय नहीं है तो? 24 घंटे में सोचो, हमें शक्ति नहीं है। कहां गई है शक्ति? जब संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में रहती है तो गई कहां है? कोई पीलापन से रही सोना बताओ, कोई मिठास से रही मिश्री बताओ, तो ये शक्तियां कहां से कहां चली गई ये तो बता। गर्भ के अनंत गुण बिखर करके अलग नहीं होते। अगुरलग्न नाम का गुण है कि नहीं? बूंदी के लड्डू नहीं है तो बूंदी बिखर बिखर के अलग हो गई? द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके अलग नहीं होते। कहां गई कहां है शक्ति? अरे तूने अपनी शक्ति खोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में। शक्ति बर्बाद कर रहा है, विषयों में शक्ति का बहाना नहीं बनाता। यहां कहता शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका नाम कपट ही नहीं मान रहा। ये कोई कपट नहीं है। कई लोगों की आदत भजन बोलने की होती शास्त्र के बाद, अब तो कम हो गए थोड़ी देर बाद, लेकिन तो भजन बोलने वाला ये सोचता था कब प्रवचन बंद हो या कब हम चालू हो। ऐसी बीमारी लगी उसका सुनने में मन ही लग रहा, ये सोच रहे कब बंद हो और कब हम। बाहर में उत्साह आएगा तो भीतर में नहीं आएगा, सुनाने में आएगा तो सुनने में नहीं आएगा। ध्यान रखना 100% बात सच्ची है। नहीं 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 नहीं, सुनाने में उत्साह आएगा तो सुनने में नहीं आएगा, विचारने में नहीं आएगा। भाई मैं घूमते रहो सुनाना। कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं कोई सुनाने वाला नहीं है, तो ये भी सोचने वाले बहुत हैं कोई सुनने वाला। कई कई लोगों की तो ऐसी आदत ही पकड़ लेंगे और अपनी सुनाने लगे, बीच में खड़े हो जाएंगे सड़क पर, अरे सुनो तो सुनो तो सुनो। अब वे भी जान गए न काम है हमें यार, क्यों जानते भी एक घंटा लगाएंगे और कोई मतलब की बात करेंगे। अरे ध्यान रखना भैया, जो ज्ञाता होता है वही दाता होता है, वही वक्ता होता है, वही श्रोता होता है। ये बीमारी है इनका इलाज करो, सर्वज्ञ के शासन में इसका इलाज है। आत्मभ्रंत सम रोग नहीं सदगुरु वैद सुजान, गुरु वचन सम पथ्य नहीं औसत विवेक ध्यान। आप विवाह विवेक जगाओ, सुनने में मरा है कि सुनने में मरा है? कर्ता बनने में मरा है कि ज्ञाता रहने में मरा है? सोचो इस बात को गंभीरता से। ध्यान रखना योग्य व्यवहार भी वहां होता है जहां परमार्थ होता है। अंतर में जब तक परमार्थ नहीं होता तब तक योग्य व्यवहार भी नहीं होता। क्यों? वो समझ ही नहीं रहा है भगवान हमारी प्रतिमा है, हमारी प्रतिमा पत्थर है। अरे पत्थर और हमारी प्रतिमा वारी, भक्ति हो तो भगवान दिखे, भगवान दिखे तो भक्ति उमड़े। गुरु शिष्यपना हो तो गुरु दिखे, गुरुपन गुरु दिखे तो शिष्य हो जाए।
परस्पर में ऐसा ही संबंध है। एक मतलब क्या है, एक साथ होता ही काम, सर्व अनेकांतमय है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अनेकांत रूप नहीं हो। क्यों भाई, इंद्री सुख, इंद्री सुख अनेकांतमय है कि हाँ इंद्री सुख दुख ही है, सुख नहीं। ये संयोग अनेकांतात्मक है कि नहीं, संयोग संयोग है, स्वभाव नहीं, संयोग का वियोग है ही। विदाई की बेला आएगी वो तो आएगी। हमारे योगीश्वर विहार करते समय स्थान देखते आते हैं समाधि का, क्या कहीं नहीं रहना, टाइम पास नहीं करना है, कर्म काटने के लिए भव है, तपस्या करने के लिए भव है, साधना करने के लिए भय है। अब टाइम पास कर रहे, टाइम पास करने की व्यवस्था नहीं है। योगीश्वर विहार करते हैं प्रभावना के लिए, आसक्ति की घटाने के लिए, और इसके लिए भी करते हैं समाधि योग्य स्थान देखते चले आते। भले सेवक कम बुद्धि वाले हो लेकिन छल छल वाले न हो, वे दवाई के नाम पर पीस के भाई देसी बना रहे, अंग्रेजी गोली पीस दे और देसी बना रहे, वो दे दिया कह बेटा छनो है, अरे हाँ छनो है। ऐसे यहां ऐसे लोग हो, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। क्यों, तुम्हारी अशक्यता होगी, तुम ले नहीं पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, और सामने करा नहीं पाओगे तो क्या होगा, फिर परिणाम में संकलित होगा। इसीलिए तो भूम माए थे आसन मारे साधर्मी नहीं प्यार, मोह बढ़ाने का मतलब है परिणाम बिगड़ना। उन्होंने नीचे छोटा सा ले आए, अब तुम्हें मोह आ गया तो परिणाम बिगड़ जाएंगे, गति बिगड़ जाएगी तुम्हारी। फिर वर्णन करने लगे नरकों का, और भयभीत हो गया चेत, तुम्हारा आर्थ ध्यान हो जाएगा। स्वर की चर्चाएं करने लगे और मन चलाया, निदान बंद हो जाएगा। समाधि करना और कराना खेल नहीं है। देह से विरक्त होता है वही समाधि कर सकता है। और देखो, किसी को गड़ा धन मिल जाए तो व्यापार छोड़ना ये कोई राजमार्ग नहीं, अपना घर खोद डालना कि हमें भी मिल जाएगा। गड़ा धन किसी को मिल गया तो मिल गया, किसी को अंतिम समय में समाधि हो गई तो हो गई, लेकिन सेवा साधना समाधि ये सीढ़ियां हैं। क्या सीखोगे जब दूर दूर रहोगे, क्या देखोगे दूर दूर रहोगे। ये प्रतिकूलता में समता कैसे रखी जाती है, अनुकूलता में समता कैसे रखी जाती है, अनुकूलता में भी समता, जहां अभिमान नहीं होना, और नहीं तो जरा सी अनुकूलता मिल जाए तो चढ़ जाता है, अभिमान हो जाता है। अभिमान माने अमंगल, क्रोध माने अमंगल, मान माने अमंगल, माने अमंगल, लोभ माने अमंगल है, ये सब ज्ञान मंगल है। अनेकांतमय वस्तु स्वरूप है, बताओ आप एक भी वस्तु विश्व में अनेकांतमय। मोक्ष मार्ग है, खिलौना नहीं है। कहीं खाड़े की धार भी कहा हो तो अभी समझना, सावधान होना, और कहीं आनंद की धारा हो तो अभी आनंदित होना। कहीं आनंद की धारा कहेंगे और कहीं खाड़े की धारा कहेंगे, तलवार की धार, जरा सी सावधानी तुम्हारी चूकी और गिरे नीचे। ग्यारहवें गुण स्थान से गिर करके नीचे चला जाता है, तुम क्या हो? हम बार बार कह रहे थे भैया एक ठोकर पर राश नहीं कर पाएंगे हम,
इतनी ताकत नहीं अभी हमारी वर्तमान परिणामों की, तो भाव की बात अलग है, तो अभी आत्मा आत्मा ही रहेगा, लेकिन एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब से आठ ध्यान होने लगेगा। हमें ध्यान नहीं रहा, हमें उपयोग, हम ये पूछते हैं दाल में घुला हुआ नमक ज्ञान में आ जाता है और जिस ज्ञान ये क्यों नहीं ज्ञान में आता, गरज नहीं है, गरज नहीं है, दाल में नमक घुला है दिख रहा, लेकिन ज्ञान में आ जाता है नमक कम है कि ज्यादा है कि बोलो, उपयोग तुम्हारा अगर नहीं है तो कैसे ज्ञान में आ जाता है। अगर तुम्हें बुद्धि नहीं है तो लौकिक कार्य कैसे करते हो, दूसरे के घर में घुसना सरल और अपने घर में रहना कठिन, ये कहां से आ गई पद्धति। हिंसा करना सरल और अहिंसा पालना कठिन, अरे अहिंसा पालना सरल है, हिंसा करना कठिन है। अनेकांत आत्मक प्रत्येक वस्तु है, वस्तु का स्वभाव ही अनेकांत आत्मक है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं सर्व अनेकांत आत्मक, विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनेकांतमय न हो। धर्म से सुख होता है, धन से नहीं, ज्ञान से धर्म होता है, क्रियाओं से नहीं। जितने अभिमान बस मौन रहते हैं उनको सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। जितने अभिमान बस मौन रहते हैं, संकोच बस मौन रह जाते हैं, आदत बस मौन रह जाते हैं, उनको बहुत सोचना चाहिए। ये मौन नहीं है, ये ढोंग है। मौन का अर्थ होता है शांत चित्त। वहां क्यों नहीं मौन रहते, जहां मौन रहना चाहिए विकटता के प्रसंगों में वहां मौन नहीं रहते, और यहां मौन रहते हो, फिर नहीं बुलवा सकते दिन भर कोई एक शब्द भी, जैसे फालतू की बातें कही हैं और फालतू की बातें सुनी हैं। अरे ना तो कहो बेटा पानी लिया और तुम चल दे, अब हम कहा समझे कि लाओगे कि नहीं लाओगे। अरे ये तो कह दो हम नहीं ला पा रहे, तो इनसे तो कह दे तुम लिया, बस बोलना ही नहीं, मौन चीची से क्या काम हुए, चीची से क्या काम चलेगा, चींची तो चिड़िया करती है। मौन नहीं रहना चाहिए। करने योग्य कार्य का उद्यमी बुद्धिपूर्वक जो तत्व विचार नहीं करते, छत चूड़ामणि में लिखा है बाजगी सूर्य ने, उन्हें खोटे विचार अपने आप ही आ जाते। हम कोई निगेटिव विचार नहीं करते, अरे पॉजिटिव करो, निगेटिव नहीं करते, जो तुम विचार करते हो सब निगेटिव ही है, वो कुछ नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं है तो कहा है। कोई किसी की नहीं मानता, ये निगेटिव नहीं है, का पॉजिटिव है ये विचार तुम्हारी, कौन सुनता है, कौन मानता है, क्या होता है, कुछ नहीं, जगत ऐसे ही चलेगा, ये नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है विचार। अरे मूल विचार करना, जब जगत ऐसे ही चलता रहेगा तो 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जीव कैसे मुक्त जाते, कैसे जाएंगे, और कितना ही कठिन कंपटीशन हो, विद्यार्थी ये सोचता है मेरा नंबर कैसे आ, 10,000 में 100-100 नंबर का नाम, 100 का चयन होना, 100 आदमी लिए आएंगे और 10,000, और हर आदमी ये सोचता है मेरा नंबर कैसे आ,
चुना जाना, एक ही तो चुना जाना है, और 20-20 खड़े हो जाते, 25-25 खड़े हो जाते। और हर आदमी ये सोचता है, गणित यही लगता है, ये मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। सोचो असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हूं, कभी न मानू हार। और देखो इस जैन चरणन योग में जो करना है, करना वो 9 कोटि से होता है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुबोधना। अब भैया हम पे पैसा है नहीं, अब हमका कसर है, अरे तुम अनुबोधना तो कर सकती हो, अब तुमसे अनुमोदना भी नहीं होती, कार्य तो अच्छा है, लगी रहो भैया, चिंता मत करो। अनुमोदना तो कर सकते हैं हम, लोकांतिक देव दीक्षा नहीं धारण कर पाए तो कम से कम बैराग की उनकी अनुमोदना तो करें, और अगली भव में तो दीक्षा ग्रहण करें। वे महापापी है, पापी नहीं, जो धर्म कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करते। अरे जो धर्म कार्यों की अनुमोदना भी करते है वे महापुण्यवान थे, धर्म नहीं महापुण्य अनुमोदन करते। ऐसे देखा तो जैसे कोई आफत है, अरे जिन मंदिर को देख करके कम से कम हर्षित होना चाहिए, जिन गुरुओं को देख करके हर्षित होना चाहिए, जिन वचनों को सुनकर हर्षित होना चाहिए। मोर हरस है सो भयो, मनो रंक चिंता मन लो। अपन तो मध्यस्थ है भैया, क्या कचूर। अच्छा मध्यस्थ भाव कहाँ होता है जानते हो? ये कमीज तुमने कहाँ पहनी? यहां तो नहीं पहनी, यहां क्यों पहनी? सत्वेश मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेश जीवेश कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम। अब तुमने क्या मध्यस्थ, इसका मतलब क्या समझ लिया तुमने? हम ये विपरीत काम है, बड़े आयु मध्यस्थ वाले, इसका बोल्ट इसमें लगा दो, चेहरे भी जागोतार भाव में घुस दो, सारी लाइन फंक जाएगी। जहां अनुमोदना करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उत्साह लाना चाहिए, वहां मध्यस्थता दिखा रहे हो, भीतर बड़े वितरागी हो गए तुम, बेकार है तुम्हारे जीवन को। लड़के के विवाह में मध्यस्थता होगी तब हम जानते, वहां तो नाच रही सड़क पर, ये नहीं पता पड़ रही है जैनों की लड़कियां के कौन है, अजैन लोग कहने लगे। पहले भोजन बनाने खुद बनाते थे घर के लोग, और नाचने वाली बाहर से आती थी, अब भोजन बनाने वाली बाहर की बुला दी बेटे, और वही 8 रोटी बनने लगी, वो खा रहे सब आराम से, और नाचने के लिए खुद, बेकार है तुम्हारे जीवन को। प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, कभी सड़कों पर कभी आयोजनों में नहीं नाचने की बात। अरे अंदर में प्रसन्नता अलग बात है, बाहर का नाच अलग है, और सो भी अमर्यादित नाच, अमर्यादित जिसमें होता ही नहीं हम क्या कर रहे, जैसे मोर नाचता है पंख होता उगड़ जाते। सुखचंद स्वामी ने लिखा है, जो गुरु के बिना क्या नाम धर्म ध्यान करना चाहता है उसका मयूर के नृत्य के समान है ये धर्म ध्यान। ऊपर नाच रहा बहुत सुंदर नाच रहा है, लेकिन पीछे तो नंगो होगा, हो सही नहीं है उसे, कहा हो रहा हो कहा नहीं हो रहा हो,
ये पता नहीं, आयोजन में प्रयोजन का तो ध्यान रखना चाहिए, प्रयोजन पर दृष्टि रखना चाहिए। प्रयोजन का मतलब यही नहीं है बाहरी प्रयोजन, प्रयोजन अपना अपना अपने हित के। हाँ तो ये कह रहे थे सोचना भाई कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो अनेकांतात्मक ना हो। अगर अब न्याय शास्त्र की भाषा में कहें, अगर अनेकांतात्मक न हो तो सर्वात्मक हो जाएगी वस्तु। घड़ी घड़ा बन जाएगा, घड़ा ही घड़ी बन जाए। अनेकांतात्मक न हो तो एक वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। वो कोई सर्वात्मक हो जाएगी तो फिर क्या हो, ये बीच के पार्टीशन सब तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, बाड़ा बन जाएगा, घर बने घर रहेगा, ये कमरा है, ये रसोई है, ये बीच के पार्टीशन लगे इन सबको तोड़ दो, सब अपने ही तो है, क्या करना है। तो बाड़ा होगा कि घर होगा, फिर वस्तु कैसी रहेगी जो अनेकांतात्मक नहीं। एक एक द्रव्य, एक एक उसका गुण, एक एक उनकी पर्याय, ज्ञान ज्ञान है, चारित्र नहीं है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान सुख नहीं है, गुण अलग अलग है, अपना अपना परिणमन कर रहे। सम्यक्त की पूर्णता चौथे ही गुणस्थान में हो गई, छायक सम्यक्त, और ज्ञान की पूर्णता तेरहवें गुणस्थान में, और चारित्र की पूर्णता, आप सोचो। ये अलग अलग पूर्णता क्यों हो रही है, एक साथ शुरू हुए एक साथ क्यों, कोई नित्य निबोध से निकला और सीधा मुख चला गया उसी, और कोई अपना ग्यारह गुण से गिर करके संसार में भ्रम रहा है। जीवन के परिणामन की अचिविचित्रता देखो ज्ञानी, देखो भाई अनुमोदना में और दोनों ओर से रहना, कोई हमारी अनुमोदना न करे तो हमें खेद खिन्न नहीं होना चाहिए, और हम अनुमोदना नहीं कर पाए तो खेद खिन्न की बात है। पहले एक चर्चा की थी, हमें बात चलने नहीं मिला ये पाप का उदय है, हम बात चलने नहीं रखें ये पाप का बंद है। ऐसे ही अगर हम धर्म कार्य की अनुमोदना नहीं करते हैं तो पाप का बंध है, और हमारे धर्म कार्यों की अगर कोई अनुमोदना नहीं करता तो पाप का हो गया। अपनी प्रशंसा की चाह मत रखो, अपनी अनुमोदना कराने की चाह मत रखो। हम कई बार कह देते हैं जो त्यागी होने के इस मार्ग पर आना चाहते हैं, हमारा बहुत भाव है, हमने भाव है सो ठीक है, अपने बल पर आना, कोई अनुमोदना करने वाला भी मिल जाए तो बहुत समझना, सब ऐसे कई प्रशंसा ही प्रशंसा मिलेगी, व्यवस्था व्यवस्था सुंदर सुंदर ही मिलेगी, ये मत सोचना। आज घी की रसिया तो कचौड़ी मिल ही आएंगी, ये मत सोच लेना कभी। आज तेल की रसिया तो घी में बढ़िया पूरी मिल ही आएंगी, ये मत सोचना, लू की रोटी भी मिल सकती। इस बात को मान करके तब करना आगे, नहीं तो मन मलिन होगा, परिणाम खराब होंगे। लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, उन्हें विवेक ही नहीं है, आज घी नहीं लेती, आज तो नहीं ले, कौन पे एहसान कर रहे, ये त्याग कौन पे एहसान कर रहे हो तुम, त्याग करके इसका मतलब है तुमने त्याग त्याग से आगे वो परिभाषा पढ़ ली तुमने उल्टी चीज, त्याग से आगे का मतलब है त्याग करने से आगे बढ़ेंगे परिणाम, ये नहीं है जो वस्तु त्याग करेंगे वो आगे मिल जाएगी। क्या कहीं गए
भैया रोटी नहीं खाने का रबड़ी मिल गई, मन का खोटी है। अनुमोदना भी वही कर सकता है जो उस कार्य को अच्छा समझेगा, जो उस कार्य को अच्छा नहीं समझेगा वो अनुमोदना भी नहीं कर सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति अनुमोदना नहीं कर सकते, मानी व्यक्ति अनुमोदना नहीं कर सकते। सर्वनिकांत और अनेकांत का निरूप, अनेकांतमय वस्तु का निरूपण स्यादवाद के बिना संभव नहीं है, न कही जा सकती है, न समझी जा सकती, न समझाई जा सकती, कुछ नहीं हो सकता। एक प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे बिना अनेकांत के, बिना स्यादवाद के बोले ही नहीं पाओगे। स्यादवाद बताओ कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि मंदिर पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में कि दक्षिण में, क्या शून्य में है? कैसे कहोगे बिना ख्याल भाई? देख किधर से रहे हो? पूरब से देखने वाले को पश्चिम में लगेगा, पश्चिम से देखने वाले को पूरब में लगेगा, और दोनों लड़मरे तो कौन लड़मरेंगे? जो मंदिर देखेंगे अपने को नहीं देखेंगे, अंदर नहीं देखेंगे। वो ठीक कह रहा है उसे पश्चिम में दिखाई दे रहा है, वो ठीक कह रहा है उसे पूर्व में दिखाई दे रहा है। धागाधिक आत्मा से भिन्न हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा भैया नाराज मत होना, तुम्हारी समझ में आएगी। कहे खबात है, अरे बात हम नाराज होने लगे तुम ऐसे हम लोग हाल। हमने कहा तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, आगे कहाँ सुना, तब तक जब तक बाहर भी हो, बाहर से भी हो। रागादिक भिन्न है ये देखने के लिए आत्मा से अभिन्न होकर के देखना होगा, तब समझ में आएगी रागादिक में। अरे भैया भगवान किसे कहते हैं? भगवान भीतरागी होते के नहीं, राग का भाव हुआ के नहीं? अगर भिन्न है नहीं है तो भाव कहां से हो गया? अगर भगवान जी को भीतरागी मानते हो तो रागादि को भिन्न मानना पड़ेगा। अगर भिन्न नहीं है तो भिन्न अभाव कैसे हो गया? ज्ञान का भाव क्यों नहीं हो गया, सुख का भाव क्यों नहीं हो गया, ये बता। अनेकांत आत्मक वस्तु का स्वरूप सबके लिए आनंदमय है, लेकिन उस स्वरूप का ज्ञान आनंदमय है, ध्यान रखना। ये स्यादवाद मई जिनवाणी सबके लिए आनंद का कारण है, लेकिन स्यादवाद मई जिनवाणी का अभ्यास करे तब। क्या लिखा मंगलाचरण में? अनेकांत तो सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्य से नमो नेकांत विश्रांत। यदि अनेकांत मय वस्तु स्वरूप का विचार किया जाए तो मन विश्रांत हो जाता है, और स्वरूप विश्रांति का नाम ही तप है। इसलिए अनेकांती ही सच्चा तपस्वी होता है, ध्यान रख। अनेकांती ही सच्चा तपस्वी होता है, जो अनेकांत आत्मक वस्तु को नहीं समझता वो तब कैसे करेगा विचार? लोक व्यवहार में भी देखो तपस्वी को लक्षण है, उसे पहले ये जानना चाहिए भीतर में सुख है, स्वरूप में सुख है, बाहर में विषयों में नहीं, तब तो विषयों का त्याग करके स्वरूप में विश्रांत होगा।
जब तक उसे बाहर में सुख की कल्पनाएं रहेंगी तब तक वो कैसे कैसे कर पाएगा, अंदर में लालसा बनी रहेगी, वासना बनी रहेगी। नमो अनेकांत विश्रांत, ये अनेकांत विश्रांत रूप है। अनेकांत स्वरूप को समझ करके कौन ऐसा होगा जिसका एकत्व और कर्तत्व अभाव को प्राप्त न हो जाए। कर्तत्व में अनेकांत है कि नहीं, अपने परिणाम का कर्ता है पर का नहीं, और अपने परिणाम को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। सहज करता है, विकल्प कर करके करता नहीं होता। आ तो हम अनुभव कर ही लेंगे, ऐसे तान के बैठ जाओ, शरीर को ताने से थोड़ी काम चलेगा। ये मान्यताएं खोटी है, आदमी ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता। अरे भैया ज्ञानादन्यत करो, क्यों ज्ञानमय भाव के अलावा कुछ भी नहीं कर। पर का करने की बात तो बहुत दूर है, अपने परिणाम को आगे पीछे नहीं करना। कोई जानबूझ करके गलती करता है, समझ करके गलती करता है, जानता है गलती करेंगे डांट पड़ेगी, फिर क्यों गलती करता है। अरे भाई समझता है डांट पड़ेगी, ये तो समझता है, लेकिन ये नहीं समझता ये गलती है। सही क्या है, उसे होते ही नहीं। ये गलत है तो सही क्या है, ये मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं, इसमें हमारा हित नहीं है तो हमारा हित किसमें है। पॉजिटिव विचार इसका नाम है, जिससे जीव आनंद की ओर बढ़े, विश्रांति की ओर बढ़े, सुख की ओर बढ़े, उसका नाम पॉजिटिव विचार है। जिससे मोक्ष मार्ग से हट जाए, नीचे गिर जाए, पाप में चला जाए, वो सब नेगेटिव विचार है, पॉजिटिव नहीं हो सकते। महिमने परमात्मने, महिमावंत परमात्मा, महिमावंत शुद्धात्मा को दर्शाने वाले हैं, उनकी भी महिमा अपार है। बीच में एक बात कही थी, ध्यान हो तो देखो भाई, परमात्मा की महिमा के बिना आत्मा को समझा नहीं आएगा, और शुद्धात्मा को समझे बिना परमात्मा की महिमा नहीं आएगी। परमात्मा को नहीं समझे तो आत्मा कहां समझेगा, कहां समझेगा। और जब तक आत्मा को नहीं समझेगा, आनंद नहीं होगा, तो परमात्मा की महिमा कैसे आएगी। आज इसीलिए तो महिमा नहीं आ रही, महिमा तब आएगी जब तुम्हें आनंद आएगा। ओ अरे खूब आनंद से विचार करो, कम से कम बिना विषयों के सुख, बिना परिग्रह के प्रभुता, बिना गेयों के ज्ञान। ये क्या है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये तेरा स्वरूप है भैया। पर को अपना माने और जबरन दुखी हो, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तो अज्ञान है। जिन्हें रोटी बना करके खा लेने में स्वाधीनता दिखाई देती है, उनकी हम क्या कहें। हम तो अपनी बना ली है, हम तो अपनी कमा ली है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ी असक्तता हो जाएगी, फिर बताओ क्या करोगे। मतलब शरीर की क्रिया तुम कर सकते हो,
रोग घटते हैं केवल घोषते रहे हैं। हम तो अपनी बना दिए, हम तो अपनी कर लेंगे, हमारे पास तो पैसा है। अरे पैसा तुम्हारा है, एक क्षण क्षण में विचार करो, ये परिग्रह में परमाणु मात्र मेरा हमारा पैसा तुमने सब ले लो। अरे तुमने ले लो, हमारा पैसा कहाँ है? हमारा ज्ञान लेकर के बताया कोई, हमारा सुख लेकर के बताया कोई? सच्ची शांति माने जिसे कोई भंग न कर सके, कोई अशांत न कर सके, जो स्वभाव को समझ करके शांत हुआ है, घोर उपसर्ग भी उसे अशांत नहीं कर पाते। लड़का जी कहते तो, बहुएं जी कहती है, फलाना जी होता है, यहाँ जी होता है, समाज ऐसी है। अरे कहाँ पागलपन है तुम्हारा, ये सब निगेटिव विचार है तुम्हारे। तुम यहाँ पैदा क्यों हुए, हम ये पूछ रहे, व्यवहार से पूछते हो कि हम साहब व्यवहार कर रहे। यहाँ जन्म क्यों लिया तुमने पंचम काल भर क्षेत्र में? विदेश क्षेत्र में जन्म क्यों नहीं लिया? स्वर्ग में जाकर के क्यों नहीं जन्म लिया? अब जन्म तुमने यहाँ लिया है तो यहाँ के वातावरण में आप सेट होना की, इसी परिस्थिति में इन्हीं इसी वातावरण में हमें अपना हित करना है, कैसे करें ये सोचो। राय सिंह जी ने ये लिखा, कुटुंब परिवार के बीच में रहना पड़े, रहना कलंक है, निकल जाना चाहिए। सच्ची बात है, लेकिन कसाय नहीं छोड़ोगे तो ना घर में रह पाओगे, ना आश्रम में रह पाओगे, ना समाज में रह पाओगे, कहीं नहीं रह पाओगे। और कसाय छोड़ोगे तो चाहे कहूं रह गए। हमने ऐसे ऐसे ग्रस्तों को देखा, कभी भोजन की बताई नहीं उन्होंने, और रोज बहू ने पूछी कि पिताजी क्या बना रहे, जो चाहो जो बन गया अपने खा के चले आए। नमक कम है तो कम सही, अपना विचार कर लिया, अच्छा नमक का भुगता है, आत्मा रस है, ये नमक का रस लेने के लिए भाव है कि आत्मा का रस लेने के लिए भाव है? इस अंग्लिश परिणाम से पाप बनेगा कि पुण्य बन जाएगा? धर्म तो होगा ही नहीं, सुख तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन पाप भी नहीं बनेगा। हम कह रहे हमने देखा है लौकिक में भी, ज्यादा खटपट करो तो तुम्हें खाने को खा ले, नहीं खाने को मत खा। अब चुप, अब क्या करें, सोचो समझो, उदय से ज्यादा क्यों, कहां से मिलेगा? ये बाह्य सामग्री उदय से ज्यादा कैसे मिल जाए? दो रोटी मिली तो दो रोटी खाए तो उठा, कोई बात नहीं। ठंडी मिली तो ठंडी खाए, पिताजी आज ठंडी है, आज ठंडी है तो क्या बात, कोई बात नहीं है, ठंडी तो है, एक एक और तो ठंडी नहीं मिली, बासी रोटी नहीं है। देखो जाकर के जीवों को, अरे भाई नरक त्रियंच आदि गतियों के दुख भी विचार करें तो ये समझो जैसे बड़ी लकीर के सामने छोटी लकीर कर दिया, तो अपना तो कुछ नहीं लगेगा, तो हमें कहा दुख है एक लकीर है, अब इसको कुछ घटाया बढ़ाया कुछ नहीं, और एक बड़ी लकीर करती इसके सामने कैसी है, जब छोटी हो गई। बड़े दुखों का विचार करो तो ये दुख छोटे लगने लगेंगे, तो बड़े सुख का विचार करो तो ये सुख छोटे लगने लगेंगे इंद्रिय सुख। लेकिन आप बड़े दुखों का भी विचार नहीं करते, बड़े सुखों का भी विचार नहीं करती, लेकिन इन विचार से तुम्हारा राग आदि भाव कसाएं मंद होंगी, मिटेंगी नहीं, मिटेंगी भेद ज्ञान से। अगर तुम्हें मंद भी करनी हो, मंदता से भी रहना हो, तो बड़े दुखों का विचार कर ले, हमारा घर छोटू है, अरे एक एक को घर ही नहीं, ये देखो फुटपाथ बड़े, एक एक पे घर ही नहीं है, फुटपाथ पे पड़े कि नहीं, तो फिर तुम क्या करो रहे,
तुम क्यों दुखी हो रहे हैं? अब को आ जाए अपने तो ठीक है, अब को आ जाए तो भोजन नहीं करा पाए। क्यों क्यों नहीं करा पा? क्या बात है? जंगल में जब आहार हो सकती है तो भैया पेड़ के नीचे जंगल में आहार बनाया होगा, कहां बनाया होगा बोला? वहां हो सकती, तुम्हारे छोटे घर में क्यों नहीं हो सकती? ये अब तुम्हारी मान कथा है शांत, मान शांत तुम्हें आड़े आ रही है और सामने वाले की मान शान आई कहा घर बेकार घर है, कहां ले आए तुम? अच्छा घर देख भी आए हो तुम, रोटी खाए भी आए, पात्र नहीं है, पात्र नहीं है। जो पात्र आहार के लिए निकलते हैं तो घर की शोभा बाजार की शोभा नहीं देखते, ये अंजलि पर रहने वाली मालूम है। इस वृत्ति को गोचरी कहा है। गाय को चाहे बूढ़ा नौकर सानी लगाए, चाहे आज की विवाही हुई बहू आ जाए वो सानी लगाए, उसे कोई फर्क नहीं, वो तो अपनी सानी खान लगी। इसका मतलब अंधे होकर के नहीं, अविवेकी होकर के नहीं, गोचरी भ्रामरी आपूर्त गर्त वृत्ति आपूर्त आपूरण गर्त वृत्ति उदराग्नि प्रसन्न वृत्ति अच्छे मर्चण वृत्ति। अरे इन वृत्तियों को देखो तो सही, मुंडाजों में तो है ही नियम रूप, लेकिन तुम्हें भी उनका अभ्यास करना चाहिए। मुक्ति का मार्ग, सुखी होने का उपाय मुंडाजों के लिए अलग और ग्रस्तों के लिए अलग नहीं है, ध्यान रख। उनकी प्रतिष्ठा रत्न रत्न से तुम्हारी प्रतिष्ठा पैसा से झूठी बात, मुंडाज साहब की प्रतिष्ठा सांच बोल रहा। सांच गुण लग रही, नमो नेकांत विश्रांत महिम ने परमात्मा ने ऐसा अनेकांत स्वरूप समझ करके पर मैं अपनी नास्ती देखे, दुख में सुखी नास्ती देखे, दुख के कारणों को सुख का कारण नहीं माने, संसार में सुखी नास्ती देखे, मोक्ष में सुख की अस्थि है, मोक्ष में ही सुख है संसार में नहीं, ये अनेकांत है और मुक्त मार्ग में बढ़े। ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। अभी हमने दूसरी विवक्षा से कही ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब तुम अपना काम करो, इसको बदलने की चेष्टा मत करो, इसमें मत उलझो। ये भीड़ ऐसी चलती रहे तो मैं निकल रहे निकल जा। अरे विभागों की भीड़ को पहचानो, विभागों की भीड़ को पहचानो, विभागों की भीड़ में भी स्वभाव स्वभाव ही है, ज्ञाता ज्ञाता ही है, खोता नहीं है, एक क्षण भी अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं भूलता। ऐसे परमात्मा के स्मरण करने से, अपने स्वरूप का अनुभवन करने से मंगलाचरण होता है। ओम नमः। अभिनाशी मैं आत्म स्वरूप।